जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, तो हाँ मैं मायके आ गई हूँ और ये प्रोग्राम एकदम अचानक से बना क्योंकि छुट्टियाँ थी काफ़ी ढेर सारी, जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की और भी बहुत सारी छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा कि चलो वो आते हैं और प्लस रक्षाबंधन भी था तो मुझे आना ही था और काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि मैं जनवरी में गई थी वहाँ पे मायके। तो इस ब्लॉग में मैंने बहुत सारे चीज़ रिकॉर्ड किए हैं और बहुत सारे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ब्लॉग, तो आप ब्लॉग पे ज़रूर से रहना और कंटिन्यू करना और मेरे चैनल को लाइक करना। तो चलिए वो देखते हैं आज का ये ब्लॉग। और हम यहाँ पे आ गए हैं राखी की शॉपिंग के लिए और प्लस मुझे वापस लौटना था तो मम्मी ने बोला कि तीज की भी शॉपिंग कर लो और साड़ियाँ जो पसंद है वो ले लो। हालांकि मैं साड़ियाँ बहुत अधिक नहीं पहनती हूँ लेकिन तीज है, फेस्टिवल है तो मुझे पहनना है, तो वही हम सब शॉपिंग करने आए हैं। और मैंने क्या लिया मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मुझे तीज पे मैंने कौन सी साड़ी पसंद की अपने लिए। और हमारे शहर में बहुत सारी साड़ियाँ बहुत ही अच्छे रेट में, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी, आप देख सक रहे हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ थी। ये लहंगे साड़ी वगैरह भी थे लेकिन मुझे सिंपल सोवर साड़ी चाहिए था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी अपने लिए पसंद की। और रेशू ने भी अपने लिए साड़ी ली। और यहाँ राखी है तो गुन्नू भी अनोखी को, आध्या को, मेरी लड्डू को कुछ ना कुछ गिफ्ट तो ज़रूर से देगा। तो हम अभी आ गए हैं यहाँ पे शॉप पे और आज राखी है फ्रेंड्स। और देखिए मैंने कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ ली है। और मेरा भाई किसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि उसकी बैंक की जॉब है और उसे किसी रीज़नवश छुट्टी नहीं मिला, तो मैंने वहाँ राखी भेज दी थी। और यहाँ जो भाई थे उनके लिए देखो मैंने कितने सुंदर सुंदर राखी लिए हैं, तो ये देखो। अभी को बांधते हैं तो मैं ये रेशू को बांधूंगी इस तरीके से, तो मेरी राखी की थाली सज चुकी है। और अभी मेरा भाई भी आ गया है तो मैं इसको बांध रही हूँ। ये मेरे मामा का लड़का है पास में ही और पंकज है यहाँ पे। पंकज को तो आप लोग जानते ही हैं, भाई के जैसा ही है आप कह लो। तो यहाँ मैं उसको बांध रही हूँ राखी और इस तरीके से राखी का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और आज की कुछ तस्वीरें राखी की ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सु को और यहाँ अनोखी गुन्नू को बांधते हुए। देखती हूँ कि आज यहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ भटोले और छोले बन रहे हैं और साथ में खीर बन रही है, चावल की खीर। ये देखिए छोले बन गए हैं लगभग और इसके साथ भटोले और खीर। आज का फेवरेट मेरा जो कुछ भी था राखी पे वो सब कुछ बन रहा है। और फ्रेंड्स आज आप लोग को मैं बता दूं कि आज मेरा बर्थडे भी होता है राखी के दिन, हिंदी तिथि से मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज बर्थडे भी था। तो चलिए चलते हैं केक कटिंग की तरफ। तो यहाँ रेशु ने केक वेक मंगा लिया है और अब हम केक कटिंग करेंगे। और यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट है और यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे पास आ गए हैं, दोनों को भी केक कटिंग करना था और होता भी है, बच्चे घर में रहे तो उनको लगता है उनका ही बर्थडे हो रहा है, तो यहाँ पे वही हम सब मिलके बहुत टाइम के बाद ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल भी मैं रक्षाबंधन पे अपने मायके में थी बट इतने जल्दी में मुझे मुंबई के लिए जाना था कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, तो फिर
अभी हम आ गए हैं रात का डिनर करने। यहाँ पे मिलन रेस्टोरेंट है जो मेरे घर के पास है, काफ़ी नज़दीक है और बहुत, और यहाँ खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मैं जब भी आती हूँ, यहाँ पे पास में भी है, प्लस मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके खाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना भी। और आज मेरा बर्थडे भी था तो बस हमने ढेर सारी मस्ती की। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Friends, ये रहा था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग इस ब्लॉग से कनेक्ट कर पाए होंगे। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।